पाक पतन से अहम खबर। पाक पतन कचहरी में पेशी के दौरान मुल्जमान की वकील के चैम्बर में अंधाधुंध फायरिंग, कचहरी में शदीद भगदड़, मुखलाफ शहरियों ने भागकर जाने बचाई। फायरिंग की जद में आकर दो भाइयों समेत तीन अफराद जान बहक, एक शख्स जख्मी। कचहरी में शदीद खौफो हिरास फैल गया, मुल्जमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक इब्राहिम और इब्राहिम दोनों भाई हैं और उन्होंने कत्ल समेत संगीन मुकदमात में अबूरी जमानत ले रखी थी, जिसकी पेशी के लिए आज कचहरी में आए थे। बार चैम्बर में फायरिंग करने वाले अफराद दोनों भाइयों के मुखालफीन थे। मकतूलीन की नाशे DHQ अस्पताल पाक पतन मुंतकिल कर दी गयी। वजीर अला पंजाब ने जिला कचहरी में फायरिंग का नोटिस ले लिया। उस्मान गुजार ने IG पंजाब से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। DHQ अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे पीर तौसीफ रमजान से मजीद जानिए। पाक पतन में कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब इब्राहिम और इब्राहिम मलकाना आज पेशी के लिए अदालत आए हुए थे। इसी दौरान उनके मुखालफी ने उनका पीछा किया और शौकत वट्टू की एडवोकेट की चैम्बर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाईस चैम्बर में भागदौड़ मच गई। शहरियों और वकला ने भाग कर अपनी जानें बचाई। फायरिंग के बाईस इब्राहिम और इब्राहिम मलकाना समेत यूसफ नामी क्लर्क मौका पर ही जहाँ बक हो गया और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसको रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वक्त मैं DHQ अस्पताल पाक पतन में मौजूद, जहां पर नशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। यहां पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, शहरी भी काफी तादाद में उमड़ आए हैं, वर्षा गम से निडाल हैं। जी